और क्या कोल्ड कॉफी बेनिफिशियल है आपके लिए या दूध वाली कॉफी, तो उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कैफीन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि इस पर प्रॉपर एक रिसर्च हुई है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं जिनको कैफीन दिया गया है, यानी कि ब्लैक कॉफी दी गई है, और कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको बगैर कॉफी के छोड़ दिया गया है कि उसका वेट लॉस है या नहीं कुछ टाइम बीइंग के लिए। तो जब स्टडी ओवर हुआ तो तब उसके बाद जब देखने में आया तो देखा कि जिन्होंने ब्लैक कॉफी यूज की है वो उनका वेट लॉस बहुत जल्दी हुआ है और काफी अच्छे केजेस लूज हुए हैं एज कम्पेयर टू वो ग्रुप्स, वो लोग जो कैफीन का यूज यानी कॉफी का यूज नहीं कर रहे थे। तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टडी बेस्ड चीज है कि कॉफी वेट लॉस में हेल्प करती है। ये होती क्या है, करती क्या है? जो कैफीन है बेसिकली कॉफी, ब्लैक कॉफी की बात कर रही हूँ मैं, वो आपको जो मेटाबॉलिज्म होता है आपका उसको बूस्टअप करती है, ठीक है? आपके जो हंगर क्रेविंग्स होते हैं उनको स्प्रेस करती है, यानी हंगर को स्प्रेस करती है। आप जैसे कि नाश्ता किया, फिर उसके बाद लंच का टाइम आ जाता है 1 से 3 के दरमियान, तो आपको बीच में खाने का दिल करता है कि हम यानी मतलब बेवजह बिला वजह की जो भूख होती है उसको ये कंट्रोल करता है। अब लंच के बाद जो आपका डिनर तक टाइम होता है उसके बीच में इवनिंग टाइम 4, 5, 6 बजे, तब भी आपको दिल करता है कि कुछ ना कुछ खाएं। तो ये अगर आप इन टाइमिंग्स में यूज करेंगे तो ये आपकी हंगर्स को स्प्रेस करेगा, क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होगा और आपकी जो मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होने की वजह से आपका वेट लॉस होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टडी बेस्ड चीज है, हम खुद से नहीं कह रहे, इसको प्रॉपर रिसर्च बेस्ड वेट लॉस का मुफीद एक जरिया कहा गया है। इसके अलावा कुछ लोग का क्वेश्चन मुझसे था कि क्या हम दूध वाली कॉफी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी हो, कोल्ड कॉफी हो, तो आइसक्रीम डाल के भी जो कॉफी, कोल्ड कॉफी में ज्यादातर आपको पता है कि आइसक्रीम ही डाली जाती है, तो क्या ये वेट लॉस करती है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बेशक लो फैट भी लेंगे ना तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा वेट लॉस में। हाँ ठीक है, आपका एक शौक पूरा होगा कि आप दूध वाली कॉफी पी रहे हो, चाय के मुतरादिफ ही हो गया, अगर आप चाय छोड़ के ब्लैक कॉफी की तरफ वेट लॉस के लिए आ रहे हैं और आप उसकी जगह दूध वाली कॉफी यूज करें, बेशक वो कोल्ड कॉफी हो या हॉट कॉफी हो, तो फायदा नहीं है क्योंकि वो वेट लॉस में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। दूध में डेफिनेटली कैलोरीज होती है, आप जब बाकी चीजें भी अपनी डाइट में रखेंगे और दूध वाली कॉफी भी लेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा बल्कि वेट गेन होगा या वेट स्टक अप हो जाएगा आपका। तो बेटर यही है कि आप कॉफी को यूज करें, लेकिन ब्लैक कॉफी अब लें कितनी, ये आपने मैक्सिमम 1 दिन में 3 से 4 कप ले सकते हैं। जो लोग एडिक्टेड है, जो कैफीन नहीं छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पर डे 3 से 4 कप ले सकते। दूसरी चीज की कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी है, हम उसमें कैफीन ले सकते हैं, तो कैफीन आपके लिए और आपके बच्चे के लिए जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। जो लोग एडिक्टेड हैं वो पर डे 1 कप पी सकते हैं, उससे ज्यादा कैफीन को इंटेक ना करें, जो कि उनके बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये इस तरह से यूज करना है, ये इसकी टाइमिंग्स है। और आप दूध ऐड करेंगे तो वो क्या, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मुझसे क्वेश्चन था कि लो फैट मिल्क यूज तो कर रहे हैं, देखिए आप लो फैट यूज कर रहे हैं, जीरो कैलोरीज मिल्क नहीं यूज कर रहे, इसके अंदर जीरो कैलोरिक मिल्क हो, क्योंकि जो कैफीन ब्लैक कॉफी है ये जीरो कैलोरीज है, तो ही आपका वेट लॉस होगा जब आप ब्लैक कॉफी यूज करेंगे। होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि ब्लैक कॉफी किस तरह यूज करनी है, इसके अंदर कितनी कैलोरीज है, दूध के साथ यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट है, और प्रेगनेंसी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।